नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। अनरसे हम चावल के आटे से बनाते हैं। पहले चावल को हम भिगोते हैं, इसके बाद पानी से निकाल करके चावल को हल्का सा सुखाते हैं और फिर उसे पीसते हैं, तब हम अनरसे बनाकर तैयार करते हैं। लेकिन आज हम मैदा और बेसन से इंस्टेंट अनरसे बनाएंगे। तो आइए देखें, मैदा और बेसन से इंस्टेंट अनरसे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। ये हमने आधा कप मैदा लिया है, आधा कप बेसन, आधा कप कंडेंस मिल्क, 2 टेबल स्पून दूध, 2 टेबल स्पून तिल और आधा छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, तेल अनरसे तलने के लिए। तो मैदा बेसन के इंस्टेंट अनरसे बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदा बेसन का बैटर बना करके तैयार करेंगे। तो बड़े प्याले में हम मैदा डाल लेंगे। ये बेसन भी डाल देंगे। और बेकिंग पाउडर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम कंडेंस मिल्क डालेंगे और मिक्स करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे, मिक्स करेंगे। ये एकदम गाढ़ा बैटर बना करके हमने तैयार किया है। इतना गाढ़ा बैटर तैयार करना है हमें कि उसकी हम बॉल बना सकें। ये बैटर हमारा तैयार हो गया है और जस्ट 1 टेबल स्पून हमने दूध का इसमें यूज किया है। और अब हम अनरसे बॉल बना करके तैयार करेंगे। बॉल बनाने के लिए हेल्प के लिए हमें थोड़ा सा सूखा आटा चाहिए। सूखे आटे में हम अपनी उंगलियों को थोड़ा सा डिप करेंगे, उंगलियों पर थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और ये बैटर से हम थोड़ा सा बैटर लेंगे। बिल्कुल छोटी छोटी बनानी है। और इसको हम तिल में डाल करके डिप कर लेंगे। और हाथ से गोल करेंगे और रखते जाएंगे। ये थोड़ा सा बैटर लेंगे, तिल में डाल करके तिल में लपेट लेंगे हम और गोल करेंगे। सारे बॉल बना करके हम इस तरीके से तैयार कर लेंगे। तेल गरम हो गया है और तेल में हम एक बॉल डाल करके चेक कर लेते हैं। अनरसे बॉल सिकने लगे हैं, तेल गरम है और अनरसे बॉल को सेकने के लिए हमें बहुत ही हल्का गरम तेल चाहिए और एकदम धीमी आग पर हम इन्हें सेकेंगे। इन्हें हम पलटते रहेंगे, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें हम तलेंगे। आग बहुत धीमी रखेंगे। ये अनरसे हम तेल में तल रहे हैं और इन्हें घी में भी तला जा सकता है। घी में अनरसे और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे। अनरसे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। अनरसे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इन्हें भी निकाल लेंगे। इंस्टेंट अनरसे बॉल बनकर के तैयार है और बहुत ही अच्छे अनरसे बॉल बने हैं।
इन्हें बनाना बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है। अनरसे बॉल को जब आप तेल में तल रहे हों और अगर वो फटने लगे तो इट मीन्स हमारा जो बैटर में कंडेंस मिल्क थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है तो हमारे बॉल फटने लग जाते हैं। और अगर ऐसा हो तो बैटर में आप थोड़ा सा मैदा डाल करके मिक्स कर लीजिए और आपके बॉल बिल्कुल इसी तरीके से गोल्डन ब्राउन होकर के तैयार होंगे। इंस्टेंट मैदा बेसन के अनरसे बॉल बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं nishamadhulika.com पर।